बीडीओ साहब से जब जब मिलने गया हूँ, पता कर लेते हैं बिचौलियों के माध्यम से कि आज आया है कारी सिंह। हाँ आया है तो नहीं आएंगे वो क्या? आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये कोई तमाशा नहीं है या कोई मेला सर्कस नहीं है, ये दक्षिणी कटरमाला के जनता आक्रोशित हैं। ये इस चीज़ की आक्रोशित में है जो आपको वो दिन याद होगा जो तीसरे चरण 10 तारीख को मतदान संपन्न हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। किसी को 214 वोट से जीत घोषित करवा दिया जाता है, फिर एक घंटा के बाद बोला जाता है आप 2 वोट से हार चुके हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं और आपके सक्षम ये सब जनता हैं, इनसे थोड़ा हम बातचीत करते हैं। बाबा ओहि दिन की हो एक घंटा खातिर जीत करके और बाद हरा दिल गए 214 वोट से रज्जू देवी के। और कुछ अपने के साथ भेल वो पैसा कौड़ी दे ला करके तब ही सब होल की होलै पैसा कौड़ी दे के वीडियो का तब हरा गए 2 वोट से। इनका कहने का मैटर है वीडियो साहब के रुपया दे के हरा गए हैं, सही बात है ये बोल रहे हैं। इनके बातों में कितना सच्चाई है वो आप खुद जान सकते हैं। उस दिन घटना मारपीट भी हुआ था? जी हाँ, पुलिस प्रशासन महिला लोगों को मारा था, कैंडिडेट को भी मारा था। और ग्रामीण से बात करते हैं, क्या नाम हुआ बाबा? जय नारायण झा। क्या मैटर है उस दिन का, क्या घटना घटी है? मैटर है जो हम लोग 214 वोट से जीत गए, बोल दिया जो थोड़ा देर में आपको कागज देंगे। लड़का लोग निकला और जब गया भीतर तो कह दिया जो 2 वोट से आप हार गए, सब सेटल कर दिया गया है यहाँ। उसके बाद मारपीट भी किया गया? पुलिस मारा है सब जनता को एक इस तरह मार है, जब भी बोलिएगा तो हम आपको दाग दिखा देंगे और दाग आप फोटो में खींच लीजिए, देख लीजिए जनता कितना आक्रोशित है। ये बोल रहे हैं फिर से, और आप आगे मांग क्या कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं जो री इलेक्शन होना चाहिए, बाजार खराब है, यहाँ की जनता आक्रोशित है। ये बोल रहे हैं फिर से री चुनाव हो और जिस कर्मठ शिक्षित उम्मीदवार को हमने चुना है उनको फिर से ये गद्दी पर बैठाया जाए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये दक्षिणी कटरमाला पंचायत के जनता बोल रहे हैं। ये किस तरह से आक्रोशित हैं ये आप खुद देख सकते हैं। ये मेरे पीछे कोई मेला नहीं, कोई तमाशा नहीं, ये वो जनसैलाब है। ये अगर एक एक व्यक्ति हाथ उठाए तो आप देख सकते हैं किस तरह से जनसैलाब है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये यहाँ के जन सुनिए कटरमाला का मुखिया कैसा हो। अगर हमारे ये जन सैलाब का आवाज नहीं मानते हैं जिला पदाधिकारी साहब, प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब, निर्वाचन पदाधिकारी, ये लोग हम लोग को हल्का में ले रहे हैं। डंडारी प्रखंड के कटरमाला दक्षिणी पंचायत का जो ये घिनौना काम छल रुपयों के वजह से बहुत बड़े बड़े सम्मानित आदमी का इज्जत को मिट्टी में मिला दिया गया, अगर वो कहते रुपया की बात ये है तो हम लोग वोट नहीं मांग के उनके चैम्बर में रुपया दे देता। मेरे जनता के साथ विश्वासघात किया गया है। डीएम साहब पढ़े लिखे होते हुए भी आपके ही न्यूज चैनल के माध्यम से 12 तारीख के लाइव कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि थोड़ा गड़बड़ी हुआ, वार्ड का ईवीएम आने के वजह से रंजू देवी को जीत घोषित की गई। मैं हमें वो कैसे बतावे कि वार्ड का ईवीएम था कि समिति का ईवीएम था कि जिला परिषद का ईवीएम था। दूसरी बात, मुझे यहाँ तक की जानकारी है कि जो मुखिया जनगणना भी करता होते हैं उन्हीं के फिंगर स्कैनर से ही ईवीएम मशीन खोला जाता है, फिर वार्ड का कैसे खोल दिए? वहाँ का ईवीएम इंजीनियर जो थे उनका हस्ताक्षर कहाँ है? अगर रिकाउंटिंग हुआ तो रिकाउंटिंग में मेरे मतदाता अभिकर्ता जो थे उनको जानकारी क्यों नहीं दी गई? ये सारी बातों जहाँ से हम जांच करते हैं हर जगह शक ही शक निकलता है। नियम के अनुसार अगर 9 वोट के अंदर आप हार जाते हैं तो रिकाउंटिंग माना जाता है, यहाँ 81 वोट से जीत गया तो रिकाउंटिंग का आवेदन कौन पदाधिकारी स्वीकार किया, किसको
आदेश दे दिया चुनाव आयोग ने, जब मैंने मुख्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, अपर समाहर्ता, पर्यवेक्षक, SDO सबको मैंने आवेदन जब मेल के माध्यम से किया तो मुझे एक ठुल्ला दिखाया गया है कि चुनाव आयोग DM को आदेश दिया कि आप पकड़िए। कब पकड़िएगा? जनता खून हो जाएगा तब, जनता मर जाएगा तब। गांव में अराजकता फैला हुआ है, पुलिस का सैकड़ों कांड, यहाँ पुलिस का कैंप लगा हुआ है, किसके डर से लगा हुआ है, कभी उसको फंसाएगा कभी उसको फंसाएगा। मेरा कैंडिडेट बहुत ही सीधा सपट्टा आदमी है, इसको किसी न किसी तरह से उझलाने का प्रयास किया जाता है। मैं आपके माध्यम से जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करूँगा कि कटरमाला दक्षिणी पंचायत के जनता को कैसे ये संतुष्ट करते हैं, मैं उनकी विद्या की विस्तार पर अनुभव करता हूँ। कटरमाला दक्षिणी पंचायत जिंदाबाद, रंजू देवी जिंदाबाद। मैं 2 दिन का मौका देता हूँ जिला पदाधिकारी महोदय को और BDO साहब को। BDO साहब से जब जब मिलने गया हूँ, पता कर लेते हैं बिचौलियों के माध्यम से कि आज आया है कारी सिंह, हाँ आया है, तो नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं चैम्बर में आते हैं? मुझे EVM मशीन का जो प्रिंट आउट होता है वो क्यों नहीं दिखाया जाता है? मेरे माध्यम से कितना वोट गिरा है क्यों नहीं BDO साहब देते हैं? हम जब वहाँ थे तो अनाउंस होता था प्रखंड विकास पदाधिकारी डंडारी, आप जहाँ भी हो कंट्रोल रूम में आवे, क्यों नहीं आते थे? सबसे बड़ा धांधली था इस बार कि अनाउंस नहीं किया जाता था, जिसको मन उसको मल्ला पहना दो, बाकी जाओ भाड़ में, ऐसा क्यों हुआ? आगे आपका मांग क्या है? मेरा मांग सिर्फ आप भी सुने, जनता से सुने। सबसे बड़ी बात है, चुनाव करवाने में सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, लेकिन हम कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। चुनाव मुखिया हम लोग रंजू देवी को ही मानते हैं और इन्हीं को मानेंगे। अगर रीच चुनाव नहीं करवाते हैं, मान लीजिए तो यहाँ चुनाव अगर नहीं करवाते हैं तो ऐसा नौबत होगा कि इस गांव में कोई विकास नहीं होगा, कोई योजना पारित नहीं होगा और यहाँ हमेशा मारपीट का तांडव बना रहेगा। लोग कितना देर तक चलेगा आज आप अंदाजा लगाइए। 10 तारीख को मतगणना हुआ, आज 17 तारीख है, 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन किसी को वाजिब बोलने नहीं दिया गया। वहाँ धन्यवाद देते हैं आपके चैनल को कि स्पष्ट आवाज़ आपने ही 10 को भी उठाया, बीच में फिर 11 को उठाया और DM साहब से लाइव भी आपने लिया। बहुत बहुत धन्यवाद कटरमाला जनता के तरफ से आपको, धन्यवाद। सुशासन बाबू की सरकार में ये देख सकते हैं आप, अगर 214 वोट से आपको जिता दिया जाता है, फिर 1 घंटा के बाद बोला जाता है आप 2 वोट से हार चुके हैं। अगर आप अपना आवाज उठाते हैं, आप अपनी मांग को मांगते हैं, तो आपको इस तरह से डंडे से प्रहार किया जाता है। वो हम नहीं बोल रहे हैं, वो आपको हम सबूत दिखा रहे हैं। किस तरह उस दिन का क्या घटना है, उस दिन की क्या घटना है आप हमें बताइएगा। पहले बोला गया कि 214 वोट से आप लोग जीत चुके हैं, ठीक। 2 घंटे के बाद जब लोग अपने अपने मने जगह पर गए, धूप में लग रहा था, धूप से छाड़ी में गए, छाड़ी में जाने के बाद 2 घंटे के बाद पता चलता है कि आप दो वोट से रंजू देवी को हरा दिया गया, ठीक। उसके बाद हम लोग बोले कि नहीं रिकाउंटिंग होगा, रिकाउंटिंग होने मैंने बोले रिकाउंटिंग करने के लिए, तो रिकाउंटिंग वहाँ पे अंदर में रिकाउंटिंग भी नहीं हुआ। उसके बाद जब हम लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन किए, हम लोग को उस तरह से मारा गया जिस तरह से जानवर को नहीं पिटाई किया जाता है, जानवर को नहीं मारा जाता है। उसके हमको ही नहीं, हम लोग को मुखिया प्रतिनिधि थे ना, उनको भी वैसे मारा गया है, वैसे आज तक किसी प्रतिनिधि को नहीं। सुन लीजिए सुशासन बाबू की सरकार, क्या एक जानवर को इस तरह से मारा जाता है, ये आप देख सकते हैं। एक जानवर को इस तरह नहीं मारा जाता है, जिस तरह से तो आगे आपका चुनाव आयोग से क्या मांग है? हमको मांग यही है कि हमको न्याय करें, हमको जो फैसला है वाजिब फैसला करें, और नहीं तो हमको फिर से चुनाव करें। नहीं तो हम उसके बाद अगर कहिएगा तो हम उसका मुखिया भी नहीं उसको हम मानते हैं, ठीक। मुखिया हमारा घर जो है रंजू देवी, वही मुखिया है, उनसे उसके छोड़ कर किसी को मुखिया नहीं मानने के लिए तैयार है। कटरमाला को हम नहीं कहते, पूरा पंचायत का लोग कहता है। ये बोल रहे हैं हमें फिर से रिचुनाव हो, और नहीं तो हम धरना पे बैठेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, हम उनको मुखिया नहीं मानते हैं। मेरे वर्तमान मुखिया, मेरे
मेरे वर्तमान मुखिया नहीं मानते हैं, मेरे वर्तमान मुखिया मेरे बीच मौजूद हैं, हम इन्हीं को मुखिया मानेंगे और मानते आए हैं। क्या बाबा आपको क्या लग रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? हमको वोट होना चाहिए, फिर से वोट होना चाहिए। जी जी वोट होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राहुल कुमार सिंह, घर हुआ गडरमल्ला। मेरे साथ क्या क्या हुआ उसके बारे में हम कहते हैं। पहले तो काउंटिंग हुआ, 214 वोट हमको जीत घोषित कर दिया गया। उसके बाद बोला आधा घंटा में हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं। उसके बाद राजूपुर वाला एबीएम आया, वो काउंटिंग शुरू हुआ, उसके बाद सब लिख पढ़ लिया, बोला दो वोट से आप हार गए। रिकाउंटिंग फिर काउंटिंग कुछ नहीं हुआ। यहाँ वीडियो 50,000 रुपया लिया था घूस, घूस लेकर 31 लाख रुपया कदमू लिए वीडियो साहब, 31 लाख रुपया लिया है डंडारी वीडियो। आप आगे आप मांग क्या करते हैं चुनाव ऐसे, क्या मांग? हम री चुनाव मांग करते हैं, री चुनाव, री चुनाव, हाँ री चुनाव होना चाहिए, नहीं तो हम आंदोलन में बैठेंगे। हाँ बोलिए। हमको या तो जीत हो रंजू देवी जिंदाबाद, नहीं तो रिकाउंटिंग हो, नहीं तो जैसे हमारा जनता को पिटाई किया। हम चुनाव है उसे निवेदन करते हैं, वो अपने आपे बढ़िया से जांच करे। ये यही बोल रहे हैं, हमें री चुनाव हो, यहाँ की जनता परेशान है, नहीं तो हम यही जनता को मानेंगे, अति नहीं तो हम यही मुखिया प्रत्याशी को मानेंगे। चुनाव आयोग से मेरा निवेदन है, खुद आकर के अपने बढ़िया से जांच उच करे, चुनाव करवाए, देखे। हमको डीएम पे विश्वास नहीं है, ये जनता सब परेशान है। आप ये जनसैलाब कोई मेला तमाशा नहीं है, कोई मदारी का खेल नहीं है, आप ये देख सकते हैं जनता परेशान है। और ये हम नहीं, ये जनता यहाँ किस तरह से आक्रोशित है वो आप खुद देख सकते हैं। एक ही नारा लगा रहे हैं यहाँ के वर्तमान टेम्पू छाप रंजू देवी जिंदाबाद, किस तरह से दिखाए वो देख लेंगे। ठीक है, आप इनका पक्ष सुन लिए। ये बोल रहे हैं फिर से री चुनाव हो और मेरे रंजू देवी को वर्तमान के मुखिया बनाया जाए। ठीक है, आप बने रहिए बीटी न्यूज़ के साथ। मैं आपके साथ गोपाल कुमार।